बहुत खूबसूरत लग रही है। काले शीशे तो भाई व्हाइट, वरना में जब काले शीशे लग जाते हैं ना पूरा लुक बदल जाता है भाई लोग। भाई लोग चेक करो, जीटी में बैटरी लग चुकी है और अभी हम इसको वॉश कराएंगे। कल ना पानी गिर गया था बहुत तेज, तो गंदी हो गई, अच्छे से वॉश कराते हैं, चमकाते हैं। इसकी बैटरी भी निकालना लगाना आसान काम नहीं है। क्यों? मतलब नॉर्मल मैकेनिक के पास चले जाओ, उसको बोलो कि बैटरी खोल दो भाई, तो वो भी थोड़ा सा टाइम ले ही लेगा। क्यों? बहुत कम खुलती है ना इन गाड़ियों की बैटरी। आदमी का नॉलेज उतना रहता नहीं, अपडेट गाड़ी भी खोलती है तो फटाफट खोल लो। हाय 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 भाई लोग चेक करो, क्या प्यारी लग रही है भाई अपनी जीटी, क्या शाइन कर रही है। और मैंने ना भाई, धूप अभी बहुत ज्यादा है, करीब 4 बज रहे हैं, तो मैंने ये स्लीव्स पहन लिया हूँ भाई। पता नहीं क्या गिरा दिया मैंने, गंदे हो गए भाई। अब मैं सोच रहा हूँ एक ब्लैक कलर भी ले लूँ, क्योंकि उसमें जरा सा भी कुछ भी गिरता है ना, कुछ भी खाते पीते रहते हैं गिर जाता है भाई गलती से, तो बड़ा बेकार लगता है। ब्लैक कलर भी ले लेंगे। बाकी शाइन चेक करो हमारी जीटी की, अब भी वॉश हुई है, बैटरी भी लग चुकी है भाई, चार्ज हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी खराब नहीं हुई थी। 2 साल हो गए हमारी जीटी को, बैटरी अभी खराब नहीं हुई भाई, बैटरी चार्ज हो गई प्रॉपर, अब सेल्फ उठा रही है, प्रॉपर हॉर्न वगैरह सब कुछ बज रहे हैं, लाइट्स वगैरह जल रही है। भाई खोलने लगाने में बहुत दिक्कत होती है, इसकी बैटरी मैं खुद नहीं निकाल पाता, क्योंकि मैं भाई इतना ज्यादा खोलता लगाता नहीं हूँ। सोचता हूँ भाई ये सारी चीजें करूँ, थोड़ा बहुत आना चाहिए ये सब चीजें, तो अब इनमें काम करेंगे इन चीजों में भी, बट अभी तो नहीं आता भाई इतना कुछ। आजकल का इस रील्स भी हम रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, और मुझे आप लोगों का ना सपोर्ट चाहिए भाई लोग, इंस्टाग्राम में सपोर्ट करो अपने भाई को। एक सेल्फ में चालू हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। कुछ अपडेट देना था आप लोगों को, आजकल ना मेरे ज्यादातर व्लॉग्स ना खराब हो रहे हैं, रीजन ये है पता नहीं क्या हो जाता है गोप्रो में यार। मान के चलो अगर मैंने कोई 15 क्लिप लिया हूँ ना, तो उसमें 2 या 3 क्लिप में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है, और मेरे को इसका सोल्यूशन नहीं पता है। माइक अडाप्टर यूज करता हूँ मैं, और सोनी का माइक है, अब पता नहीं माइक अडाप्टर में प्रॉब्लम है या गोप्रो में कोई प्रॉब्लम है। मैं सोचता हूँ भाई मीडिया मॉड ले लूँ, बट फिर ऐसा लगता है यार इतने पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, फिर से वो प्रॉब्लम नहीं गई तो फिर क्या करूँगा। और गोप्रो भी भाई थोड़ा पुराना है, गोप्रो 9 है, अभी तो 12 आ गया है। तो अगर किसी को इस चीज का सोल्यूशन पता है तो प्लीज बताओ भाई। इसकी वजह से ना भाई कुछ दिनों से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रहा हूँ, 2-4 दिनों से। क्या होता है भाई जब मैं ब्लॉग एडिट करने बैठता हूँ ना, तो जैसे मान लो 12 क्लिप्स हैं या 15 क्लिप हैं, तो मैं एक एक करके क्लिप्स को निकालता हूँ टाइमलाइन में और एडिट करता हूँ। तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, 4 क्लिप एडिट हो गई, 5वीं क्लिप जब निकाला टाइमलाइन में लेके आता हूँ तो होता ही है भाई कि उसमें ऑडियो नहीं आता। और कुछ क्लिप्स ऐसी होती है जो मेन होती है, मतलब वीडियो का हाईलाइट होता है, तो फिर वो पूरा व्लॉग ही खराब हो जाता है भाई। ये चीजें हो रही है मेरे साथ अभी, तो मेहनत खराब ही हो रही है भाई लोग। होप करता हूँ इस वीडियो में ऐसा कुछ ना हो, अगर होगा भाई तो फिर क्या करेंगे यार, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आज भाई रील्स बनाएंगे अच्छी तगड़ी तगड़ी एक नंबर की, जिसको आप लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा भाई लोग। इंस्टाग्राम में मैं रील्स डाल रहा हूँ रेगुलर, प्लीज सपोर्ट करो। डल गया गाइस पेट्रोल, बड़ा सुकून मिलता है, मौसम बन रहा है पानी का आज भी भाई लोग। हमको ना R15 अभी तक नहीं मिली यार, बहुत दिनों से हम R15 V3 ढूंढ रहे हैं, कोई सेकंड हैंड हो तो बताओ यार प्लीज। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर देना भाई, तुरंत ले लेंगे तुरंत। R15 ढूंढ रहे हैं हम, छोटे भाई के लिए चाहिए है। एक बाइक मिली है लेकिन भाई सियोनी में है, तो अब सिर्फ देखने के लिए इतनी दूर जाएं वो सही नहीं लग रहा है। तो जबलपुर में ही कहीं किसी के पास हो, किसी भाई के पास जिसको बेचना हो भाई, तो कांटेक्ट कर लो मुझसे डायरेक्ट, तुरंत ले लेंगे भाई अगर पसंद आ गई तो। देखो भाई ये बंदा पीछे मुड़ के देख रहा है, इसको लग रहा है ऊपर से हवाई जहाज या एरोप्लेन को जा रहा, बट इसको क्या पता कि ये हमारी GT 650 की आवाज है, जो कि भाई गूंजती जैसे शेर दहाड़ रहा हो। चेक करो, भाई यहाँ कुत्ते बहुत खदेड़ते हैं यार, आज ना खदेड़े बस ना हो भाई। वो देखो भाई समझ गया होगा राज भाई, क्या गर्मी है यार, मानना पड़ेगा। और पहले मैंने कुछ गलतियां किया हूँ, गलतियां मैंने क्या किया हूँ बताता हूँ आप लोगों को। इसकी बैटरी क्यों इतनी जल्दी उतरी होगी, गलतियां मैंने ये किया हूँ भाई लोग, मैं ना ऐसे ही छोड़ देता था भाई, और कुछ भी कहीं भी किसी से बात करने लगे रुके तो लाइट जल रही है, देखो हेडलाइट भी जल रही है, इंडिकेटर भी जल रहा है, और ये स्ट्रोब लाइट्स भी जल रही है, तो भाई बैटरी तो उतरेगी ना। अब ये गलती हम नहीं करेंगे भाई, एक क्लिप ले लेते हैं प्यारी सी स्टोरी ले लेते हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे सच, ठीक है गाइस। भाई लोग चेक करो, ऐसी कुछ लोकेशन है यहाँ पे, हम लोग फोटो शूट करेंगे और रील्स बनाएंगे। हाँ मैं तो अभी आज ही आया, तुम लोग यहाँ क्या प्रैक्टिस करते हो? भाई लोग हम लोगों ने यहाँ पे शूट कर लिया है, देखो यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं बच्चे, हम भी आया करेंगे अब यहाँ पे स्केटिंग करने। भाई लोग सही बता रहा हूँ, रिएक्शन तो बहुत मिलते हैं, बट अब मैं बोर हो चुका हूँ यार वही वीडियोस बना के, रिएक्शन बहुत बना लिया यार, रिएक्शन वगैरह नहीं शूट करेंगे। राज को देख रहे हो भाई डियो लेके कैसा भाग रहा है,
ब्रो, क्या हाल है ब्रो? बढ़िया। अपनी 900 कहाँ है? 900 सेल कर दी ना वो मुंबई वाले। बाकी भाई की वरना भी अच्छी, आओ जरा दिखा दे ब्लॉग में। अरे बहुत प्यारी लग रही है बाकी यार। भाई लोग चेक करो कितने इंची है ब्रो, कितने इंची है? 16। भाई ऐसा लग रहा है मजाक नहीं, 18 इंची हो यार। है ना गाइस, आप लोग लुक चेक करो, बहुत खूबसूरत लग रही है। काले शीशे तो वाइट, वरना में जब काले शीशे लग जाते हैं ना पूरा लुक बदल जाता है। भाई लोग सेक्सी लगती है ब्रो तुम्हारी गाड़ी, पता जो नई वाली वरना आ रही मेरे को पसंद नहीं आई यार, वो उसमें लुक नहीं है, जो चीज चाहिए वो नहीं है। क्यों? वो पेट्रोल भी है ना मेन बात। हाँ अच्छा, ये डीजल है। अच्छा अच्छा, बहुत शानदार है यार, बहुत शानदार, बहुत प्यारी लग रही है। गाइस कमेंट करके बताओ साहिल भाई की गाड़ी जबलपुर में, भाई ये गाड़ी बहुत ज्यादा फेमस है वाइट वरना, जैसे एल्विस की नहीं थी वाइट वाली वरना फेमस, वैसे साहिल भाई की गाड़ी फेमस है। ठीक है साहिल भाई, मिलते हैं साहिल भाई, ओके जय श्री राम। हाँ पीयूष भाई, सो गाइज हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं, देखो जिक्सर खड़ी है पीयूष भाई की, साहिल भैया की करिश्मा खड़ी है, हमारी जीटी यहाँ पे खड़ी है फिर से थोड़ा सा भाई, लेकिन ये है कि पीयूष भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सीख थी, हमको भी सीख मिली कि अब भाई क्यों ग्रुप वगैरह में अब जा रहे हैं तो अपन को भी पता चल रहा है कि किस हिसाब से चलना है सारी चीजें। भाई लोग चेक करो कहाँ फंस गए यार हम, आगे रोड ब्लॉक है, ये देखो भाई गाड़ी फंस गई, रिस्की चीज हो गया भाई, निकलते हैं चलो हमें यहाँ से। भाई कहाँ फंस गई यार वो गाड़ी, देखो गाइस क्या हो रहा है, वो देखो भाई वो फंस गया भाई, छोटा हाथी निकाला यार भाई ने, चढ़ाया, पावर तो है छोटा हाथी में भी। बाकी भाई लोग कल आप लोगों को ना एक गुड न्यूज मिलने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड, मजा आएगा, कुछ नया आने वाला है, बहुत ज्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं है। भाई लोग कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग, अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वरना आप लोगों को कैसी लगी, भाई लोग मुझे तो यही वाली वरना पसंद है, और कलर मुझे ब्लैक भी पसंद है और व्हाइट भी पसंद है, और जब वरना में अलॉय वगैरह लग जाते हैं भाई तो क्या लुक आ जाता है, बहुत प्यारी लग रही थी वरना। अब नई नई वीडियोज में काम कर रहे हैं भाई, और आज संडे था तो संडे राइड भाई बहुत तगड़ी हुई आज की हमारी, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई व्लॉग ऊपर नीचे पोस्ट करता हूँ, जैसे की आज शूट किया तो आज ही करते, तो नहीं तो दो दिन बाद करता हूँ, और कल शूट किया तो कल ही डाल देता हूँ, नहीं तो चार पांच दिन बाद पोस्ट करता हूँ, ये सारी चीजें होती हैं। तो भाई आप लोग बस मजे लो भाई, ब्लॉग्स को एंजॉय करो, अगर कुछ कमी लगती है तो बता दिया करो, और अगली वीडियोस में क्या चाहते हो वो भी बता दिया करो। तो इसी के साथ गाइस इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड, बाकी कल मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग के साथ। जो संडे राइड वाला ब्लॉग है वो बहुत फाड़ू है, उसमें ZX10R की व्हीलीज है, सुपर बाइक सब बहुत कुछ है, तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलो कल मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग के साथ, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।